ग्राम पंचायत के न्यायिक कार्य, मामले की सुनवाई प्रक्रिया और क्षेत्रीय अधिकार। भारत में पंचायत परंपरा काफी पुरानी है। पंचायत के पांच पंच किसी अधिकारी द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, बल्कि गांव के लोग ही इन पंचों को निर्वाचित करते हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत या कचहरी का कार्यकाल 5 साल का होता है। सरपंच ग्राम कचहरी का अध्यक्ष होता है। एक उप सरपंच की भी व्यवस्था होती है। ग्राम पंचायत के वयस्क सदस्यों द्वारा सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। हर ग्राम कचहरी निर्वाचन के उपरांत अविलंब अपनी पहली बैठक में एक उप सरपंच का पंचों के बीच से बहुमत के आधार पर चुनाव करती है। सरपंच ग्राम कचहरी का सभापति कहलाता है, साथ ही संबंधित व्यक्तियों तथा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज मुकदमों की सुनवाई करता है। ग्राम कचहरी को 3 माह तक की अवधि के लिए साधारण कैद की सजा तथा 1,000 रुपए तक अर्थदंड नहीं देने पर साधारण कैद की सजा देने का भी अधिकार प्राप्त है। यदि कोई इस फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो वह ऊपरी अदालतों में अपील कर सकता है। ग्राम कचहरी ग्रामीणों द्वारा लाए गए छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करती है, मुकदमों की सुनवाई करती है और उसी हिसाब से फैसला सुनाया जाता है। ग्राम कचहरी में विवाद में फंसे दोनों पक्ष स्वयं अपनी अपनी बात कहते हैं। यहाँ किसी वकील की सहायता की जरूरत नहीं होती है। ग्राम पंचायत की न्यायिक प्रक्रिया। न्यायपीठ द्वारा किसी वाद या मामले का सौहार्दपूर्ण समझौता निपटारा न होने की दशा में मामले की जांच करेगी, आवश्यक साक्ष्य लेगी, निर्णय अभिलिखित करेगी। न्यायपीठ के सदस्यों के बीच असहमति होने की दशा में बहुमत का निर्णय प्रभावी होगा। न्यायपीठ की प्रक्रिया। न्यायपीठ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी होगी जो वह उचित एवं सुविधाजनक समझे। इसके लिए विहित प्रक्रिया से भिन्न किन्हीं अन्य साक्ष्य विधियों या प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए न्यायपीठ बाध्य नहीं होगी। निर्णय का रूप। ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ का निर्णय लिखित रूप में होगा। सामान्यतया उस निर्णय पर न्यायपीठ के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। अगर न्यायपीठ के किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षर नहीं भी किए जाते हैं तो वह निर्णय विधिमान्य होगा। ग्राम कचहरी द्वारा दी जाने वाली सजा। दांडिक अधिकारिता यानी कि दंड देने का अधिकार। इस अधिनियम के तहत ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को ग्राम पंचायत के स्थानीय सीमाओं के भीतर निम्नलिखित अपराधों के करने या ऐसे किसी अपराध को उत्प्रेरित करने या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयासों का विचार करने का अधिकार होगा। ग्राम कचहरी किसी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगी जिससे संबंधित सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित हो या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379, 380, 381 या 411 के अधीन चुराई गई अभिकथित संपत्ति का मूल्य 10,000 से अधिक हो या भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 17 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पूर्व में 3 वर्षों या अधिक अवधि के कारावास के लिए सिद्ध दोषी ठहराया गया हो या ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ द्वारा चोरी के लिए पूर्व में जुर्माना किया गया हो। भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं जिसके अधीन ग्राम कचहरी की न्यायपीठ सुनवाई करेगी। दफा 140 के अनुसार अगर कोई जानबूझकर ऐसी पोशाक या टोकन धारण करता है जिसका इस्तेमाल एक सैनिक जल सेवा, थल सेवा या वायु सेवा के फौजी के लिए सीमित किया गया हो तो वह व्यक्ति दोषी है। वह 3 महीने की सजा या 500 रुपए जुर्माना या दोनों का भागी होगा। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी गैर कानूनी सभा में भाग लेता है या उसमें भाग लेना जारी रखता है तो वह गैर कानूनी सभा का सदस्य माना जाएगा। जो व्यक्ति किसी गैर कानूनी सभा का सदस्य हो
तो उसे 6 महीने की सजा होगी या जुर्माना होगा या दोनों होगा। जो व्यक्ति ये जानते हुए कि ऐसी गैर कानूनी सभा को विधि पूर्वक तितर बितर हो जाने का आदेश दिया गया है, उसमें भाग लेता है या भाग लेना जारी रखता है, तो उसे 2 वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों होगा।